हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे शारदा चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं कि फर्स्ट एसी कोच में कितनी बैटरियां लगी होती है और किस प्रकार से सप्लाई दी जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एसी कोच है जो सर्विसिंग करने के लिए वर्कशॉप में आई हुई है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि एसी कोच में कितनी बैटरियाँ होती है। देखो, ये सामने हमारे बैटरी दिख रही है। इन बैटरी का कनेक्शन सीरीज में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने दस बैटरी यहाँ पे है, उसके बाद आठ बैटरी यहाँ पे, दस आठ अठारह हुआ, उसके बाद दस बैटरी साइड में, अट्ठाईस कुल टोटल 28 बैटरी एक साइड होती है। और दूसरे साइड मतलब हम उस साइड है वहाँ पे 28 बैटरी, टोटल 56 बैटरियाँ होती है। देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन सीरीज में किया गया है। यहाँ से इसमें सप्लाई जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के चलने से पहिए चलते हैं और पहिए के माध्यम से अल्टरनेटर की कुंडली चलने लगती है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसमें एक रेक्टिफायर लगा होता है अल्टरनेटर के सामने, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इस बैटरी को चार्ज करती है और इसी के माध्यम से हमारे कोच में लाइट को ऑफ और ऑन किया जाता है, हमारे पंखों में सब कुछ चलते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं इसका मेन फेस कहाँ पे है और न्यूट्रल। ये सामने जैक है जो कोच को उठाने के लिए कार्य करता है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला न्यूट्रन है और ये वाला फेस यहाँ पे आया है। इसके बाद फेस में यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, जो फ्यूज को निकाल देंगे विद्युत सप्लाई कट जाएगी। अभी इसी के माध्यम से विद्युत सप्लाई होती है। ये अभी ट्रॉली को चेंज किया गया थोड़ी देर पहले। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।